सब्सक्राइब करें ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ ने दिनांक 19/9/2020 को बीए बीएड बीएससी बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम 2020 की सूचना जारी की है। इसमें उन्होंने बताया है, छत्तीसगढ़ राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड एवं शासकीय डाइट बीटीआई निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम 2020-21 में प्रवेश हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट, आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर विजिट करके उन्हें प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर पंजीयन एवं विकल्प फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा। विस्तृत सीट आवंटन कार्यक्रम, आवश्यक दिशा निर्देश, प्रवेश नियम व प्रक्रिया, महाविद्यालयों व संस्थानों की सूची व शुल्क की जानकारी, शुल्क की जानकारी SCERT रायपुर की वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पर, और या फिर चिप्स की वेबसाइट में उपलब्ध है। आवंटन प्रक्रिया बीए बीएड बीएससी बीएड डीएलएड की अर्हता परीक्षा 10+2 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम बनाकर की जाएगी। आवंटन कार्यक्रम निम्नानुसार है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। काउंसलिंग को 3 स्टेप में बांटा गया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। फर्स्ट काउंसलिंग में है, फॉर्म भरने की जो तारीख है आपकी बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए 25/9/2020 से शुरू होगी, 3/10/2020 को खत्म होगी। डीएलएड के लिए 6/10/2020 को शुरू होगी और 16/10/2020 को खत्म होगी। दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण की आवंटन सूची जारी करना एवं दावा आपत्ति, इसके लिए डेट है 6/10/2020 से लेकर 7/10/2020 बीए बीएड एवं बीएससी बीएड के लिए। डीएलएड के लिए 20/10/2020 से 21/10/2020 प्रथम चरण की आवंटन सूची जारी होगी। बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए 12/10/2020 और डीएलएड के लिए 23/10/2020। प्रथम चरण में जो भी छात्रों का सिलेक्शन होगा काउंसलिंग में, वो लोगों को महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 12/10/2020 से 19/10/2020 तक टाइम है बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए, तथा डीएलएड के लिए 23/10/2020 से 29/10/2020 तक आपके पास समय है। रिक्त सीटों की जानकारी आपको 21/10/2020 को मिलेगी बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए, डीएलएड के लिए 31/10/2020 को मिलेगी। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आपको फॉर्म भरने की तिथि मिलेगी 23/10/2020 से 27/10/2020 तक बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए, डीएलएड के लिए 3/11/2020 से लेकर 9/11/2020 तक। दावा आपत्ति के लिए 29/10/2020 से 31/10/2020 तथा डीएलएड के लिए 11/11/2020 से 12/11/2020। द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी होगी 3/11/2020 को बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए, 18/11/2020 को डीएलएड के लिए। द्वितीय चरण में जो भी छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जाएंगे उनके लिए निर्धारित तिथि होगी 3/11/2020 से 7/11/2020 तक बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए, 18/11/2020 से 24/11/2020 तक डीएलएड के लिए। रिक्त सीटों की जानकारी 9/11/2020 को मिलेगी बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए, 26/11/2020 को मिलेगी डीएलएड के लिए। थर्ड काउंसलिंग, थर्ड स्टेप में आपको फॉर्म भरने की डेट मिलेगी 11/11/2020 से 17/11/2020 बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए, तथा 28/11/2020 से 3/12/2020 तक आपको टाइम मिलेगा डीएलएड के लिए। दावा आपत्ति के लिए आपको टाइम मिलेगा 19/11/2020 से 23/11/2020 तक बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए, तथा 5/12/2020 से 7/12/2020 तक डीएलएड के लिए। तृतीय चरण की आवंटन सूची जारी होगी 25/11/2020 को बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए, तथा 9/12/2020 को होगी डीएलएड के लिए। तृतीय चरण में आवंटित छात्रों द्वारा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि होगी 25/11/2020 से 1/12/2020 तक। आप यहां देख सकते हैं डेट में थोड़ा सा मिस्टेक है, और डीएलएड के लिए 9/12/2020 से 15/12/2020 तक। दोस्तों, आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी पत्र व्यवहार तथा दावा आपत्ति ईमेल supports.slcm@cgchips.in पर आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र भेजकर कर सकते हैं। अगर आपको पूछताछ करनी है तो पूछताछ के लिए दिनांक 24/9/2020 से कार्यालयीन समय में चिप्स के हेल्प डेस्क नंबर 7470470609 पर संपर्क किया जा सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि काउंसलिंग की डेट आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।